और फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खूब बढ़िया होंगे। आज बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट में, साथ में देखेंगे फिर निफ्टी के कुछ लेवल्स, कल उसका भी एक्सपायरी रहने वाला है, वहां भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट आपको एक रेंज मिल गया है, यहाँ पे कल भी हमने डिस्कस किया था एक रेंज बन सकता है। ठीक है, एंट्री आज के दिन में हमें नहीं मिली है क्योंकि हमें फ्लैट एंट्री रिक्वायर्ड था, वो एरिया के लगभग मार्केट नहीं मिला, काफी बड़ा गैप अप हुआ, सेम एरिया के लगभग हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी रेंज को हम यूज करेंगे। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 18,580 के नीचे क्लोज मिलता है तो टारगेट एरिया आपके यहाँ पे 18,540-550 की रेंज में रहने चाहिए। अगर यहाँ कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट टारगेट एरिया जो रहेगा आपका यहाँ पे 18,500 की रेंज में रहेगा। ठीक है, अपसाइड के लिए अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो ऑल टाइम हाई जो आज का हाई बना है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो आप यहाँ से लॉन्ग प्लान कर सकते हो। दूसरा, अगर आप अग्रेसिव बायर हो तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन ने काफी अच्छा एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है। अगर इसी ट्रेंड लाइन के लगभग हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है तो यहाँ भी आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। टारगेट एरिया यहाँ पे आपके 18,650 and 700 की रेंज में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में उतने अच्छे लेवल्स आपको डाउनसाइड के लिए देखने को नहीं मिल रहे क्योंकि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग एंड निफ्टी का क्लोजिंग काफी डिफरेंट देखने को मिल रहा है। निफ्टी मान के चलो अगर रिसेंट क्लोज यहाँ पे था, अभी यहाँ क्लोज किया, मीन्स इसके नीचे काफी अच्छा स्पेस है सेल करने के लिए, मीन्स 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम है और यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो 50-60 पॉइंट का या 80 पॉइंट का मोमेंटम है। तो बैंक निफ्टी को मैं सेल करना थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, 44,100 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो एरिया भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में सेलिंग थोड़ा अवॉइड करेंगे। अगर आपको ऊपर के लेवल्स पे जैसे 44,360 के लगभग अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है, वहां पे कोई बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन आपको मिलता है तो वहां पे आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। टारगेट एरिया आपका 200 की रेंज में रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया मैं मार्क करके दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया के लगभग अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 44,360 के लगभग अगर बैंक निफ्टी में कोई बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट एरिया आपका यहाँ पे 44,270 के लगभग रहना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्लो में ब्रेकडाउन आता है तो 44,190-200 ये एरिया आपका टारगेट एरिया रहना चाहिए। अपसाइड के लिए अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, 44,430 के ऊपर क्लोज मिलेगा तब आप यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो। मेजर बाइंग आपका 44,500 के ऊपर रहने वाला है। 44,500 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट एरिया हमारा 44,700 and 44,800 की रेंज में रहेगा। कल भी हमने ये सेम टारगेट एरिया डिस्कस किए थे बट एक बड़ा गैप अप मिला, उसके बाद फर्स्ट दोनों कैंडल में आपको बैंक निफ्टी ने हमारे दोनों टारगेट हिट किए, उसके बाद हमें एक एंट्री नहीं मिला कि दोबारा से पुल बैक लिया और नीचे आने के बाद फिर से पुल बैक लिया। ठीक है, उसके बाद फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी का भी चार्ट सेम जैसे मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी डिस्कस किया उसी तरह का स्ट्रक्चर फिर निफ्टी का भी रहने वाला है। नीचे आपके यहाँ पे सपोर्ट एरिया काफी पास रहेंगे जिसकी वजह से आपको वॉल्टाइलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर निफ्टी में आपका एक ट्रेड बन सकता है। अगर फिर निफ्टी आपको यहाँ पे बॉटम एरिया के लगभग मिल जाता है, उसके बाद कोई रेंज बनाता है, ब्रेकआउट करता है तो कल के दिन में आपको एक पॉजिटिव एक्सपायरी फिर निफ्टी का देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखोगे, ये भी मैंने टॉप से मार्क करके रखा है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो टारगेट एरिया जो रहेंगे आपके 19,600 की रेंज में आपके टारगेट एरिया रहने चाहिए। बॉटम टू अप में 130 पॉइंट्स का मोमेंटम प्लान कर रहा हूँ। अगर मुझे बॉटम पे मिलता है, मीन्स जो रिसेंट कैंडल का, मीन्स जो आज के कैंडल का लो है, अगर उस एरिया के लगभग हमें यहाँ पे फिर निफ्टी मिलता है, रेंज बनाता है, ब्रेकआउट करता है तो एक पॉजिटिव एक्सपायरी में प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 19,600 के लगभग टारगेट देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आज का हाई भी निकाल जाता है फिर आपको फ्लो में 100 पॉइंट और देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपके टारगेट एरियाज यहाँ पे 700 की रेंज में रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने रिसेंट भी डिस्कस किया, ये ऑल टाइम हाई रहने वाला है तो इतना ईजी रहेगा नहीं ऑल टाइम हाई को निकालना। फिर भी अगर आपको कल के दिन में ये एरिया के लगभग बॉटम के लगभग कोई बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन मिल जाता है, डबल बॉटम मिल जाता है या कोई रेंज मिल जाता है, ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। सेलिंग के लिए मैं फिर निफ्टी को भी फिलहाल के लिए अवॉइड करूंगा। वो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।